हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कैसे हम एक नए प्रिंटर को जब हम परचेज करते हैं उसके बाद उसको कैसे ऑपरेट करेंगे, उससे हम फोटोकॉपी, कलर प्रिंट और बहुत कुछ कैसे कर सकते हैं। कहने का मतलब उसे हम अच्छी तरह से ऑपरेट कैसे करेंगे, तो आज के इस वीडियो में हम यही सीखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारे पास एक HP का इंक एडवांटेज 2338 प्रिंटर। ये रहा HP इंक एडवांटेज 2338 प्रिंटर है और ये कलर प्रिंटर है, स्कैन भी करता है। तो मैंने इसको परचेज किया है, ये मुझे 5,700 रुपये में पड़ा है ये प्रिंटर। ये इस प्रिंटर से आप घर के होम बेस वर्क कर सकते हैं। अगर बिजनेस वर्क करोगे तो ये प्रिंटर बिजनेस वर्क के लिए नहीं है, तो आपको दूसरा प्रिंटर परचेज करना पड़ेगा बिजनेस पर्पस के लिए। अगर होम पर्पस के लिए है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। तो इसमें हमें दो कॉटेज मिलती हैं, एक ब्लैक और एक कलर। तो इसमें हमें ब्लैक में हमें कितने प्रिंट निकाल सकते हैं इसमें, तो यहाँ पर मेंशन है ब्लैक में हम 480 पेज निकाल सकते हैं और कलर में हम 150 पेजेस इसमें से निकाल सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। जो 480 पेजेस दिखा रहा है तो ऑलमोस्ट हम इससे कम ही, इस जो इसमें कॉटेज हमें दी जाती है उससे कम ही हम 480 पेज से कम ही हम पेज निकाल सकते हैं। ये तो फिलहाल इन्होंने ऐसे ही, कंपनी वालों ने ऐसे ही लिख दिया है 480, लेकिन 480 पेज हम नहीं निकाल सकते हैं, हमें कॉटेज को दोबारा रिफिल करना पड़ेगा। तो आप चलिए, मैं चलता हूँ प्रिंटर की तरफ। मैंने इसमें से प्रिंटर को बाहर निकाल लिया है। तो दोस्तों, ये है हमारा प्रिंटर HP का। देखिए, ये HP का लोगो है इसमें बना हुआ है, ये वाइट कलर का है पूरा। और यहाँ पर हमारे पास कुछ यहाँ पर बटन्स दिए गए हैं, देखिए 4 बटन्स हैं और एक पावर की है। और यहाँ पर ये LED लाइट है, अगर कोई भी इंक कम होती है, ख़त्म होती है, तो यहाँ पर ये ब्लिंकिंग करने लग जाता है। और ये इसका आगे का हिस्सा है, देखिए मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ से प्रिंट बाहर आता है, यहाँ से प्रिंट निकलता है। हम इसको और भी, अगर पेजेस इसको हम यहाँ से ऐसे इसको और भी ओपन कर सकते हैं। और जो हमें पेपर सेट करना होता है, लगाना होता है, तो उसके लिए हमें यहाँ से ट्रे दी गई है, इस तरह से हमें इसको निकालना है और यहाँ पर हमें पेपर लगा देने हैं। ये रहा यहाँ से, और ये एक तरह का कवर लगा हुआ है। अब इसमें मैं दिखाता हूँ पावर केबल कहाँ लगते हैं। तो ये हमारे पास एक, इसके साथ एक पावर केबल मिला है और एक डाटा केबल मिला है जिसको हम कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो पावर केबल है, इसको हम, मैं एक बार इसको घुमा के दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, ये पावर सप्लाई है, यहाँ पर हमें जो पावर केबल मिला है इसको, इस पावर केबल को हमें लगाना है इस साइड से। तो ये इसको यहाँ ऐसे लगा देना है। और ये डाटा केबल है, तो ये इस तरह का जो नोब होती है उसको हमें यहाँ लगा देना है यहाँ पर। तो ये इससे लगाने के बाद, और इसे हमें कंप्यूटर में लगा देना है, तो ये कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए मैं इसको पावर में कनेक्ट करके फिर दिखाता हूँ प्रिंट करके। तो दोस्तों, मैंने प्रिंटर को पावर केबल से कनेक्ट कर दिया। देखिए, पावर केबल लगा दिया है और यहाँ देखिए पावर केबल मैंने यहाँ पर ये बोर्ड में भी लगा दिया है। अब देखिए, यहाँ पर मैं पावर बटन को प्रेस करता हूँ तो देखिए हमारा प्रिंटर ऑन हो चुका है। तो दोस्तों, प्रिंटिंग आने से पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहूँगा कि ये वीडियो कोई स्पॉन्सरशिप वीडियो नहीं है, ये केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई गई है। जब भी हम नया प्रिंटर खरीदते हैं तो उसको कैसे ऑपरेट करते हैं, इस बारे में मैंने इसमें जानकारी दी है। सो अगर आप इस प्रिंटर को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर परचेज कर लीजिएगा। तो चलिए, अब मैं प्रिंट निकाल के दिखाता हूँ।
यहाँ पर मैंने देखिए पेज लगा दिया है, इस ट्रे को निकाल के पेज लगा दिया है। और अब मैं इस पेज का देखिए इस पर कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर मैंने मार्किंग की हुई है। तो पहले हम इस पेज का ब्लैक प्रिंट निकालेंगे, इसको हम फोटोकॉपी कहते हैं। तो फोटोकॉपी निकालने के लिए हमें इस कवर को ओपन करना होगा, स्कैनर के कवर को, और इसको हमें रखना होगा इस तरीके से। इसको हमें पेज को उस साइड से ही रखना है जहाँ से हमें इस तरह का आइकन देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें इसका मतलब है हमें जो जिस पेज का हमें फोटोकॉपी करनी है, प्रिंट निकालना है, उसको हमें इस तरफ से रखना है। तो ये इस कॉर्नर से हमें अटैच टच कर देना है तो ये पेज सही तरह से रख जाएगा। तो अब इसको उसके बाद हम इसके कवर को क्लोज कर देते हैं। देन यहाँ पर ब्लैक प्रिंट निकालना है तो हम इसको सिंपली एक बार प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद हमें इसको भी ओपन करना होगा क्योंकि प्रिंट यहीं से ही निकलेगा। तो अभी देखिए देखिए प्रिंटर ने पेज खींच लिया है, ले लिया है। अब यहाँ से देखिए पेज पर प्रिंट होकर निकल गया है, पेज पर प्रिंट हो चुका है। देखिए तो ये जो प्रिंट हुआ है देखिए ब्लैक में हुआ है। अब हम कलर में निकालेंगे तो इसको हम पलट के लगाएंगे इस तरह से, अच्छे से लगा देंगे। ये पेज को हमने लगा दिया, उसके बाद हमें कलर निकालना है। तो कलर के लिए हम इस वाले बटन को दबाएंगे, एक बार दबा दे तो यहाँ पर लाइट ब्लिंकिंग होने लगी है। उसके बाद ये प्रिंटर इस पेज को, प्रिंटर ने इस पेज को ले लिया है प्रिंट के लिए। अब यहाँ से देखिए पेज प्रिंट होकर निकल रहा है, तो देखते हैं। तो ये देखिए पेज प्रिंट होकर निकल गया है। तो ये देखिए प्रिंट होकर निकल गया है। अब की बार हमने कलर प्रिंट का बटन दबाया था तो यहाँ पर देखिए कलर प्रिंट ही यहाँ पर प्रिंट हुआ है। तो इस तरह से हम अपने किसी प्रिंटर से जो भी हमने परचेज किया है उस प्रिंटर से हम कलर या ब्लैक एंड वाइट प्रिंट निकाल सकते हैं। बाकी ये जो बटन है ये अगर बाय द वे कोई गलत कमांड हमारे द्वारा दे दी जाती है, पेज फंस जाता है, तो इसको हम दबा के उस पेज को निकाल सकते हैं, कमांड को कैंसिल कर सकते हैं। और यहाँ पर हमें एरर दिखाता है अगर हमारे प्रिंट करने में कोई दिक्कत आ रही है। बाय द वे कभी कभी जैसे ये ड्रॉ लगा रह जाता है ना, और उसके बाद हम कमांड प्रिंट देते हैं तो ये प्रिंट नहीं निकलता है। तो यहाँ पर हमें इंडिकेट करता है कि कुछ प्रॉब्लम है प्रिंटर में, तो यहाँ पर इंडिकेट करता है। बाकी ये तो मैंने बता ही दिए हैं। और एक ये है पावर बटन, यहाँ से हम सिंपली इसको क्लिक करके इसको हम पावर ऑफ कर सकते हैं। तो ये थी प्रिंटर के बारे में थोड़ी सी जानकारी। तो इस तरह से हम अपने परचेज किए प्रिंटर को ऑपरेट कर सकते हैं और उसे आसानी से चला सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं, फोटोकॉपी कर सकते हैं। सो आई होप ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपके काफ़ी हेल्पफुल होगी। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद।